आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरी मोदी पुरे। सो आज मेरे प्रोजेक्ट है वर्कआउट कंपनी। सो वर्कआउट कंपनी क्या होती है? तो वर्कआउट कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है। तो फिर हम पढ़ के देखते हैं। सो वर्कआउट इज़ अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इंडियाज लीडिंग रिसर्च ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड अ चेन ऑफ एडवांस्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। इट हैज़ वर्कफोर्स ऑफ 8600 वर्कआउट एसोसिएट्स एंड 21 डिफरेंट नेशनलिटीज ग्लोबली। इट हैज़ 3 रिसर्च सेंटर्स एंड 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ पैरामास्यूटिकल एंड बायो पैरामास्यूटिकल फॉर्मुलास, एक्टिव पैरामास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स AIPS एंड वैक्सीन्स। सो वर्कआउट, तो ये देखेंगे आप वो क्या करते क्या है। तो वर्कआउट कोर बिजनेस इज इनोवेशन। इट यूजेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप मेडिसिन प्रोडक्ट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मिलियन पीपल्स लाइफ। मतलब वो साइंस और टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं अपना मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। सो इट हैज़ इम्प्रूव्स इट्स टेक्निकल एक्सीलेंस बाय डेवलपिंग प्रिटेंडेड मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशंस एंड रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इट हैज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी R&D प्रोग्राम विथ मोर देन 607 साइंटिस्ट्स इंक्लूडिंग ओवर 80 डॉक्टर्स। सो उनके पास 607 साइंटिस्ट और 80 डॉक्टर्स है रिसर्च करने की। सो ये पूरा ये है कि रिसर्च वो किस चीज़ का करते हैं। तो ये नए ड्रग्स डिस्कवर करते हैं, बायोटेक पे ये करते हैं और जेनेटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे जेनेटिक्स क्या होता है। सो जेनेटिक्स वो होता है, उस पर रिसर्च होती है, जो अपने जीन्स होते हैं उस पर रिसर्च करते हैं ये लोग। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सो वर्कआउट इज इन द फोरफ्रंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशंस। सो हैव 1733 patents filed till date, of which 228 patents have been granted, awarded for the maximum number of patent filing and grant from India. So Wirecard is determined to create benchmarks for a promising future. So उनके पास 1733 patents हैं, यानी उन्होंने ऐसे वो ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसे formulas बने जो हम ही बना सकते हैं, और 228 उन्होंने अपने नाम पे register कर चुके। उसके लिए ज़्यादा patents बनाने के लिए उनको award भी मिल चुका है। So हम देखते हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये सब मेडिसिंस है और उनके थेरेपीज है। तो फिर एप्रोक्सिमो, ये पेन मैनेजमेंट होता है। पेन मैनेजमेंट मतलब अगर लाइक पैरासिटामोल वगैरह जैसे यूज़ होता है, और पैमाडोपा कार्डियोलॉजी के लिए यूज़ होता है, और एक्सीवर्क एंटी इन्फेक्टिव एंड ऑल, ये बाकी के सब प्रोडक्ट्स है और उनके थेरेपीज है। तो वैसे वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स। और फॉर योर टाइम एंड